विगत दिनों बैतूल जिले के शाहपुर की चौपड़ा सोसाइटी बटकीडो गांव के किसान श्रीनिवास सरकार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस किसान के ऊपर मार्च 2018 तक कोई कर्ज नहीं था। यह किसान हर साल समय पर अपना कर्ज चुकाता था। 9 जुलाई 2018 और 28 सितंबर 2018 को इस किसान ने दो किश्तों में 37,852 रुपए का कर्ज धान की फसल के लिए चोपना सोसाइटी से लिया था। जनवरी में किसान श्रीनिवास सरकार ने अपनी धान की फसल समर्थन मूल्य पर बेची। किसान को 1,12,700 रुपए धान की बिक्री से मिले। सोसाइटी के तत्कालीन प्रबंधक ने किसान से यह कहकर पैसे नहीं काटे, तुम्हारे पैसे सरकार से माफ हो जाएंगे, और उससे रिश्वत लेकर कर्ज नहीं काटने से किसान सोसाइटी में ओवरड्यू हो गया। जब वह धान की फसल लगाने के लिए बैंक में कर्ज लेने के लिए गया तो सोसाइटी प्रबंधक ने उसे कालातीत बताकर ऋण देने से इनकार कर दिया। किसान के पास 5 एकड़ जमीन पट्टे पर सरकार ने दी है। यहाँ पर केवल धान की फसल होती है। गांव में बिजली नहीं होने के कारण इस गांव में गेहूं या अन्य फसल नहीं होती है, जिसके कारण कर्ज के बोझ से दबा यह किसान धान नहीं बो पाया। इस बीच किसान ने गांव में मजदूरी करना शुरू की। 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन घोषित हो गया, जिसके कारण मजदूरी भी बंद हो गई, जिससे हताश होकर श्रीनिवास सरकार नाम के किसान ने आत्महत्या कर ली। मतलब सोसाइटी से 2018 में लोन लिया था, वो लोन पहले बोला था माफ़ हुआ है, इसके लिए वो भाई ने पैसा ऐसा खर्चा कर लिया। फिर दूसरा साल बोलता है पैसा माफ़ नहीं है, तुमको भरना पड़ेगा। फिर वो तो खेती बाड़ी किया ही नहीं उस साल। फिर इस साल उसको ज़्यादा टेंशन है, एक तो लॉकडाउन का टाइम है, सेकंड चीज सोसाइटी से ऋण मतलब पैसा नहीं देगा तो हमको सार खाद कहाँ से मिलेगा, लोन कहाँ से मिलेगा, यही टेंशन उसको खाया जा रहा था अंदर अंदर। सरकार ने ऋण माफ़ी योजना के तहत 31 मार्च 2018 से पहले के ऋण माफ़ किए थे। चूँकि किसान ने यह ऋण 31 मार्च 2018 के बाद लिया था, इसलिए किसान ऋण माफी के दायरे में नहीं आया। लेकिन सोसाइटी संचालक किसान को भरोसा दिलाते रहे, इसी भरोसे में किसान ने ऋण की राशि जमा नहीं की। किसान श्रीनिवास सरकार की पत्नी और 2 बच्चे पूरी तरह अनाथ हो गए हैं। सोसाइटी प्रबंधक की लापरवाही और रिश्वतखोरी के चलते एक ईमानदार किसान ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, बैतूल।